वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशन चैनल नमस्कार दोस्तों स्वागत है एजुकेशन चैनल पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे आज यूनियन बजट के बारे में हम सभी को मालूम है कि एक फरवरी को यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था और इसमें कई इम्पोर्टेंट जो फ़ीचर्स हैं कई इम्पॉर्टेंट प्लान हैं पॉलिसीज़ हैं वो सभी पास हुए हैं तो हम इन पर बात करेंगे और हम ये समझेंगे कि इस बार के जो यूनियन बजट हैं उसमें इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स क्या हैं हमारे लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके अलावा एक और बात बताएं कि जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है और यूनियन बजट डिटेल में है उसका एक सेपरेट सेशन आई विल डू बट अभी हमारे पास एक नट शैल में हमारे पास जो उपलब्ध है वट एवर वी हैव अवेलेबल उस पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पे सो लेट्स स्टार्ट विद द बजट प्रोविज़न ऑफ ट्वेंटी वन सो इम्पॉर्टेंट क्या क्या प्रोविजन हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग में टारगेट किया गया है कि इंडिया जो है फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए टारगेट कर रहे हैं अभी इंडिया की इकोनॉमी लेस देन थ्री ट्रिलियन के आसपास है तो इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में को टारगेट किया जा रहा है हमको मालूम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो ट्रेडिशनली वो स्ट्रांग रहा है और अभी पिछले 20 सालों से सर्विस जो सेक्टर है वो स्ट्रांग रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में कम रहा है तो इसीलिए अगर हमें बढ़ाना है अगर भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल हैव टू प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल तो दैट इज़ वन पार्ट और ये याद रहे कि जो एक प्रोग्राम चलाया गया था मैन्युफैक्चरिंग के तहत आत्मनिर्भर भारत मेड इन इंडिया और ये सब प्लान और उसमें ही था परफॉर्मेंस प्रोफर, लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसके लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए वो अलग से रखे गए हैं तो ये आपको ये पीएलआई स्कीम ध्यान में रहे और जो मैंने भी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है फाइव ट्रिलियन के लिए तो वही मैंने आपको बताया बिकॉज चाइना भी अगर स्ट्रांग इकोनॉमी बनी है तो इट्स बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे द सेकेंड पार्ट इज़ रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो सीनियर सिटीज़न सीनियर सिटीजन्स जो पेंशनर हैं सेवेंटी फाइव के ऊपर और उनकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने uh, करेगी गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशिंग के लिए uh, पैसा रेस करने की भी प्रोविज़न इस बजट में किया गया है नाउ सी और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस बार के इसमें सो so, ये है इंपॉर्टेंट एक फीचर ये है कि जो फिजिकल डेफिसिट है इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट वो 9.5 परसेंट ऑफ जीडीपी वो टारगेट की है कि 9.5 परसेंट फिजिकल जो डेफिसिट है वो रहेगा और उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी नेक्स्ट ये है कि 35,000 करोड़ रखा गया है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोरोना का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है 35,000 करोड़ उसके लिए है और उसी के साथ साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में वो 74 परसेंट बढ़ा के बढ़ा के 49 परसेंट से बढ़ा के 74 फोर परसेंट पे कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ जो कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें डिसइनवेस्टमेंट का प्लान किया गया है इसमें डिफेंस की हैं दो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो इक्कीस और बाईस में उनका डिसइनवेस्टमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो उसमें पार्ट है वो बढ़ाने के लिए भी प्रोविज़न किया जा रहा है उसके साथ ही साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और उसको इम्प्रूव किया जाएगा और साथ ही साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 5.54 लाख करोड़ का वो प्रपोज किया गया है इस बजट में और उसी तरीके से अन्य भी प्रोविजंस इसमें प्रोवाइड किए गए हैं और, और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है ओके जो स्टेट हैं जो राज्य हैं उनको अलाउ किया गया है जीएसडीपी बोरोइंग मतलब जो इस बार उनका रिवेन्यू कम रहा तो उसके लिए फोर परसेंट ऑफ जीएसडीपी तक बोरोइंग के लिए अलाउ कर दिया गया है फिजिकल फेडरलिज्म में यह है कि फोर्टीन वन परसेंट शेयर जो शेयरेबल टैक्सेस होते हैं मतलब जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है जो शेयरेबल पूल में उसमें से फोटी जो है गवर्नमेंट वो देगी स्टेट्स को ये फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये फाइनेंस कमीशन के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ आपको उसके बाद रेलवे के लिए रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ एलोकेशन किया गया है और प्रोविडेंट फंड अगर आपका ढाई लाख के ऊपर का अगर कंट्रीब्यूशन है तो अगर ये है तो उसको टैक्सिंग टैक्स किया जाएगा मतलब उस पर टैक्स लगाया जाएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है ओके नाउ अदर इम्पोर्टेंट क्या है टैक्स लैब टैक्स लैब क्या होता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है जो लोग काम करते हैं नौकरी करते हैं पैसा uh, जो अर्न करते हैं तो उनका टैक्स लैब जो था पिछले साल का था वही इस बार भी रखा गया है तो उस टैक्स लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है और सिर्फ पचहत्तर साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है अलग अलग पार्ट्स हैं इसको हमें ध्यान रखना है ओके okay. ऑलरेडी मैं बता दिया आपको कि कि 1.75 1.75 लाख करोड़ ये रेस किया जाएगा कैसे रेस किया जाएगा पब्लिक सेक्टर कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट पब्लिक बैंक हैं उनको उन पे डिस डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा रेस किया जाएगा तो ये इम्पोर्टेंट बहुत प्रोविज़न इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है डिसन्वेस्टमेंट का तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान है ये बता दें कि पिछले साल भी ये जो भी अब बजट गया इसमें भी डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान था बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था ओके okay. सो so, वो क्यों नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द करोना सो डिसवेस्टमेंट इज़ इम्पोर्टेंट कि डिसइनवेस्टमेंट क्या है और uh, uh, क्या गवर्नमेंट का टारगेट है तो दैट आई हैव टोल्ड यू ओके okay. एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो टोटल एलोकेशन है वो कम हुआ है मतलब जो टाँ इस साल का था उससे कम किया गया है लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस उसके बारे में बात की गई है और इसको रेस किया जाएगा हालांकि जो कंज्यूमर है उन पर सेस नहीं रहेगा जो पावर सेक्टर है पावर सेक्टर में इंपॉर्टेंट ये है कि तीन लाख करोड़ रिवाइव डिस्कॉम्स जो हैं बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको रिवाइव करने के लिए 3.05 लाख करोड़ वो एलोकेट किया गया है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट तो हमको ये देखते चलना है देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है एक प्लान एक प्रोजेक्ट जो है 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था उदय प्रोजेक्ट ये था उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना एश्योरेंस योजना तो इसको रिवाइव भी किया गया था फिर तो इसके लिए तो ये प्रोजेक्ट का नाम याद रहे तो ये ये जो 2019 में उदय 2.0 स्कीम इसको दोबारा लॉन्च किया गया था लेकिन इनका रिवाइवल कंप्लीट नहीं हो पाया सो फॉर कंप्लीट रिवाइवल अगेन मनी हैज़ बीन अलोकेटेड तो उदय प्रोजेक्ट आपको ध्यान रहे दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के साथ जो मेजर पोर्ट है उनको भी प्राइवेटाइज कर, प्राइवेटाइज करने जा रही है कंट्री जो जो हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इनको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा सेवन मेजर पोर्ट्स हैं और 2000 करोड़ की रेस करने की बात कही है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर हम इसको बात करें सेवन मेजर पोर्ट्स को करने से आ, हमारे पैसा तो रेज होगा लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये इंटेंट है कि इनके वर्किंग में भी सुधार आए नेक्स्ट है स्क्रैपिंग पॉलिसी तो ये स्क्रैपेज पॉलिसी ध्यान रहे में स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है और जिससे कि जो ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल है आ, उनको स्क्रैप किया जा सके इसके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रावधान किया गया है और इसके तहत पैसा भी अलोकेट किया गया है ओके नाउ फिजिकल डेफिसिट फिज़िकल डेफिसिट 9.5 परसेंट का टारगेट एक्सपेक्टेड है लेकिन इसको कम के कम करके 4.5 परसेंट करने की उम्मीद है 2025-2026 तक हमको मालूम है कि एक लॉ है फिज़िकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 का एफ जिसके तहत जो फ़िज़िकल डेफिसिट है एक लिमिट में रखने की प्रोविज़न है तो उसी के तहत तो Uh, ये इम्पोर्टेंट uh, है कि जो अभी 9.5 पहुंच पहुँच चुका है जीडीपी का वो 4.5 पे लाया जाए 2020-21 का जो एक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट था जो टारगेट था वो 3.5 परसेंट का था लेकिन बिकॉज ऑफ uh, uh, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कोरोना की वजह से उसकी वजह से 9.5 परसेंट पे अभी ये है नेक्स्ट है ये नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है हाईवेज़ का लेके uh, इसमें क्या है रोड ट्रांसपोर्ट uh, मिनिस्ट्री को अलोकेट किया गया है वन लैक एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड वन करोड़ अलोकेट किया गया है किसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सो दिस इज इंपॉर्टेंट और ये जो नेशनल हाईवे हैं वो तमिलनाडु केरला वेस्ट बंगाल आसाम में इनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो रेलवे जो रेलवे के रेलवे तो मैंने आपको बता दिया अब रोड जो है उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है तो क्वेश्चंस आते रहते हैं तो ये आपको कैसे समझ समझना कैसे है तो ऐसे समझते चलिए अगर प्रीलिम्स के लिए तो प्रिलिम्स के लिए ये ध्यान रहे कि ये एक लाख करोड़ के आसपास बजट दिया गया है और हाईवेज़ के लिए दिया गया है ठीक है और मेंस के लिए आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आ, आप इस तरीके से याद कर लीजिए कहाँ कहाँ चुनाव है तो जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में है वेस्ट बंगाल में आसाम में है तो यहाँ पर काफ़ी पैसा यहाँ पर दिया गया है केरला में है तो यहाँ पर जो है इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है पैसा तो ऐसे याद करते चलिए उसी तरीके से फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बता दिया कि इस साल काफ़ी ज़्यादा है 9.5 परसेंट तक चला गया है एफ एक्ट आपको ध्यान रहे और तो उसके उसके लिए उसको कम करने की आवश्यकता है ओके नाउ नेक्स्ट इज डिफेंस तो डिफेंस में डिफेंस में भी इंडिया ने जो है पैसा एलोकेट किया है कोई नया एज सच कोई नई प्लान नहीं है लेकिन बॉर्डर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए कैपिटल uh, एक्सपेंडिचर वो किया कर रही है गवर्नमेंट सो दैट इज वन पार्ट डिफेंस में आपको ध्यान रहे रफाल वगैरह ऑलरेडी हमने लिया हुआ है और uh, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है डिफेंस के लिए जो ध्यान रहे नॉन लैपसेबल फंड फॉर मॉडर्नाइजेशन होता है क्या है कि मान लीजिए अगर एक मान लीजिए बीस के लिए पैसा एलोकेट हुआ है तो उसको खत्म करना होता है 2021 तक मतलब मार्च 2021 तक खत्म करना होता है लेकिन गवर्नमेंट नॉन लैपसेबल फंड की बात कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्नाइजेशन के लिए मतलब अगर मान लीजिए आपको मॉडर्नाइज करना है नए वेपन लेना है और नए प्लेन्स लेने हैं वॉरशिप लेने हैं मॉडर्नाइज़ करना है उनको तो होता क्या था कि इस साल में जो जो पैसा दिया गया तो अगर मार्च तक आपने खर्च किया ठीक है नहीं तो वो ख़त्म हो जाता था पैसा लेकिन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि अगर इस साल हमने वो पैसा दिया तो आप उसको आने वाले सालों में भी खर्च कर सकते हैं वो पैसा मार्च में खत्म नहीं हो जाएगा सो दिस इज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नॉन लैपल फंड ये आपको ध्यान रहे और 51,000 करोड़ ईयर 51,000 करोड़ ईयर हर साल अगर मिलता रहेगा तो काफी पैसा हो जाएगा तो उसको आराम से हम लोग खर्च कर सकते हैं बिकॉज इट्स टेक टाइम है कि इसमें टाइम लगता है मान लीजिए रफेल खरीदना है तो कई साल लग जाते हैं उसमें पूरा प्लानिंग से लेके खरीदने तक ओके नाउ दिस इज़ कल्चरल मिनिस्ट्री तो कल्चरल मिनिस्ट्री में ए होता है और ए की जिम्मेवारी होती है कि जितने भी हमारे मोनूमेंट्स हैं आर्किटेक्चर है, उनके रख रखाव का तो नथिंग न्यू इन दैट उसमें बस पैसा अलोकेट हुआ है ठीक है ओके नाउ यहाँ पे एक स्टार्टअप्स के लिए है स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलीडे मिलेगा मार्च 2020 तक तो 2020 के तहत इसमें कुछ छूट जो है वो कंटिन्यू रहेगी 2022 तक सो so, ये स्टार्टअप इको के लिए ये इम्पोर्टेंट है ठीक है और उसी तरीके से कुछ जो आइटम्स है जैसे एसी है फ़ोन है वो कॉस्टलियर वो होंगे एंड गोल्ड एंड सिल्वर वो चीपर हो जाएंगे कस्टम ड्यूटी उसमें चेंज होगा इसलिए नाउ कम द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ बजट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल बजट में क्या है तो एग्रीकल्चरल बजट में जो प्रोविज़न था पीएम किसान स्कीम का और बाकी उस स्कीम का वो थोड़ा कम किया गया है और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और स्टेट रन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कमेटी थी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कमेटी थी उनको और मजबूत करने के लिए फंड एलोकेट किया जा रहा है ओके सो मोर लेस ये इंपॉर्टेंट है ओके okay. लेकिन जो हमारे फार्मर्स है जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उन्होंने इसको अपना जो कमेंट दिया है वो अपनी ही बात पे दे आर स्टिल ऑन देयर ओन थिंग्स कि जो उनको चाहिए दैट इज़ फार्म बिल ओके नाउ ये इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट अभी ये क्या है ये है जो फूड सब्सिडी बजट मैं आपको बता दूं जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है कंट्री में भारत में क्या होता है भारत में ये होता है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो किसानों से गेहूँ और धान खरीदता है ठीक है और ये उनको बेचता है किस पे किसको बेचता है पी के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू अब जो खरीद है वो कैसे खरीदे सत्ताईस रुपये के धान खरीदा जाता है सत्ताईस uh, रुपये के जी गेहूँ खरीदा जाता है और सैंतीस रुपये के जी थर्टी सेवन रुपीस के जी राइस खरीदा जाता है और ये दिया जाता है एट्टी करोड़ पुअर पीपल को दिया जाता है ठीक है uh, किस रेट पे दो रुपये के जी वीट और तीन रुपये के जी चावल चावल तीन रुपये का और गेहूँ दो रुपये का और ख़रीद क्या है सत्ताईस और सैंतीस रुपये का तो ये पूरा जो घाटा है एफ सी आई का क्योंकि एफ सी आई घाटे में होती है तो ये घाटा पहले वो लोन लेके करते थे लेकिन अब गवर्नमेंट ने यह बोला है कि हम आपको पैसा देंगे इस खरीद के लिए जिससे कि आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े और एफ सी आई को और uh, जो है डायरेक्ट सरकार आपको पैसा देगी इस खरीद के लिए तो ये फूड फूड सब्सिडी का बजट है तो आप इमेजिन आप कर सकते हैं कितना बड़ा हमारा uh, बजट है इस बार बजट है चार लाख uh, 4.22 लाख करोड़ का बजट है चार लाख बाईस हजार लाख का करोड़ का 4.22 लाख करोड़ का ये बजट है तो ये आपको ध्यान रहे बहुत तगड़ा बजट है ये सवा चार लाख करोड़ का बजट है जो किसके लिए है फूड सब्सिडी के लिए फूड सब्सिडी का मतलब जो मैंने आपको बताया कि 80 करोड़ लोगों के लिए सस्ते दामों पे धान और गेहूं देना और ये धान और गेहूं कहाँ से खरीदा जाता है किसानों से खरीदा जाता है किस पे खरीदा जाता है एमएसपी पे खरीदा जाता है तो एम पे ख़रीद के उनको प्रोवाइड करना तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना फसल की ज़रूरत है ओके okay. तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है मैंने आपको बता दिया ओके okay. नाउ ये टेन परसेंट कौस्ट, कस्टम ड्यूटी लगेगी जो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन है तो ये भी किसानों के लिए है कि बाहर का जो कॉटन है उस पर दस परसेंट कस्टम ड्यूटी लगे जिससे कि हमारे अंदर वाले जो किसानों को फ़ायदा रहे नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ केयर हेल्थ केयर में क्या है हेल्थ केयर सेक्टर में 137 परसेंट इंक्रीज़ है ये ध्यान रहे कि मतलब जो टोटल हेल्थ केयर का बजट था पिछले साल से 137 परसेंट इंक्रीज हो चुका है और इसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए है सैनिटेशन के लिए है और न्यूट्रिशन के लिए है बाकी चीज़ों के लिए है तो ये हमको ध्यान रहना चाहिए कि हेल्थ केयर में काफ़ी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड uh, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतना काफ़ी है जानने के लिए ओके फाइव फिफ्टी थाउजेंड करोड़ दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए फिफ्टी थाउजेंड करोड़ जो है वो अलोकेट किया गया है ओके okay. ना एक यहाँ पे है ये याद रहे जल जीवन मिशन तो जल जीवन मिशन शुरू किया गया है वाटर uh, तो जल जीवन मिशन के लिए पैसा दिया गया है और इसके तहत uh, लोकल बॉडीज़ तक पानी पहुंचाना है कि उन उन तक पानी पहुंचाया जाए मतलब पानी उनकी उपलब्धता रहे तो ये जल जीवन मिशन आपको ध्यान रहे और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और क्या है जल जीवन मिशन का अर्बन का वो कि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज़ में जिसमें कि 2.86 करोड़ हाउस होल्ड होंगे उन सबको नल का कनेक्शन दिया जाएगा और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट 500 सौ अमृत सिटीज़ हैं उनके लिए वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी देखना ठीक है पाँच साल मतलब ये मिशन जो है पाँच साल में किया जाएगा और एक्सपेंडिचर टू लाख करोड़ का इस पर आएगा उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन उसको भी उसके भी सेकंड राउंड शुरू किया जा रहा है उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा और इसमें स्लज मैनेजमेंट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है और गार्बेज रिडक्शन है ये सभी चीज़ों को टारगेट किया गया है इसमें स्वच्छ भारत मिशन में सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दिस वॉज रिगार्डिंग द हेल्थ केयर तो ये आपको ध्यान रहे जो मैंने आपको जल जीवन मिशन बताया और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 बताया और क्या क्या उसमें आएगा नेक्स्ट इज सोशल सेक्टर तो सोशल सेक्टर में सबसे बड़ा है नरेगा और नरेगा का महात्मा गांधी नरेगा में सेवेंटी थ्री करोड़ दो हज़ार में ये प्रावधान किया गया है तो महात्मा गांधी नरेगा हमको मालूम है कि इसमें जॉब प्रोवाइड किया जाता है गारंटेड जो जॉब है वो लोगों को दिया जाता है ओके सो दैट इज रिगार्डिंग दिस थिंग नाउ ये है पोर्टल टू कलेक्ट डेटा ऑन गिग वर्कर्स नाउ ये गिग वर्कर के बारे में है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा तो ये गिग वर्कर्स से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला हुआ है कि ये इस तरीके के वर्कर्स हैं जैसे कि स्विगी में और ये सब में ओला कैब ये सब में जो लगे हुए हैं वर्कर्स जो हैं ये सब गिग वर्कर कहलाते हैं तो उनके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा ताकि उन, उनका डेटा कलेक्ट किया जाए ओके okay. नाउ एक प्लान बनाया जा रहा है जो पब्लिक बसेस हैं उनके लिए न्यू स्कीम फॉर पब्लिक बसेस तो वो एक स्कीम है ओके okay. लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में खुलेगी तो वो एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है Uh, जो किया गया है ओके सो दैट इज़ रिगार्डिंग द बजट बाकी जनरल न्यूज है दैट वी विल नॉट कवर तो हमारे हमने ने जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत टू पॉइंट जीरो मिशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने आपको हेल्थ केयर में जो वन थर्टी सेवन परसेंट इंक्रीज हुआ है वो मैंने आपको बताया उसके बाद इंपॉर्टेंट जो प्रावधान था डिफेंस सेक्टर का मैंने बताया कि नॉन लेप्सबल मॉडर्नाइजेशन बजट मजद जो हमारी डिफे uh, पुलिस है मतलब जो हमारी पैरामिलिट्री है और आर्मी है उनके लिए नॉन लेप्सबल जो मॉडर्नाइजेशन बजट है उसके लिए बात चल रही है और एग्रीकल्चरल सेक्टर में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है फूड सब्सिडी वाला किस तरीके से जो लोन लेती थी एफसीआई उसको गवर्नमेंट अब वो करेगी गवर्नमेंट खुद ही उसको प्रोवाइड करेगी और मैंने आपको पूरा समझाया कि किस तरीके से फूड सब्सिडी का ये पूरा वर्क करता था सो दिस आर सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग कुछ इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया भी और आपको याद भी रहना चाहिए फिजिकल डेफिसिट पूरा मैंने बताया आपको कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है इफ़ यू वॉन्ट तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि एफ आर बी एम एक्ट क्या है और एफ आर बी एम एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविजन क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए जनरल स्टडी के लिए भी या फिर आपका पबेड या पोलिटिकल आपका ऑप्शन है तो भी उसके लिए भी सो so, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिए इसके अलावा पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो एक अलग सेशन में मैं पूरा कंक्लूड करूंगा उसको हम लोग पूरा कंक्लूड करेंगे जिससे कि एग्जाम के लिए जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन हैं इसके अलावा इस पेपर में जो दिया है इसके अलावा जो भी हम लोग डायरेक्ट कवर करेंगे गवर्नमेंट के सोर्सेज से गवर्नमेंट का जो सोर्स है जो गवर्नमेंट का जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंट किया गया है उसके जो इम्पोर्टेंट उसको समराइज करके मैं बना के आपको वीडियो डाल दूंगा एंड देन हम उस पर डिस्कस करेंगे बट एज ऑफ नाउ जो मेन चीज़ें थी वो आपको मैंने मोरलेस बता दिया जैसे कि आपको रफली थोड़ा बहुत आइडिया रहे इनफैक्ट आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा इससे कि क्या क्या नए प्रावधान हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं और जो भी हमारे साथ ही नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जैसे कि आने वाले जो भी सेशन इंपॉर्टेंट वो उसका अपडेट आपको मिलते रहे तो Uh, और जो मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस पूछे हैं एफ आर क्या है फिजिकल डिपोजिट क्या है दैट यू कैन ट्राई टू राइट इन द कमेंट्स एंड वी विल डिस्कस द बजट फर्दर ओके थैंक यू गुड बाय